चलो लेट्स स्टार्ट। तो कल हम लोग क्या क्या किए थे? वी डिड डेटा टेबल, वी डिड बार चार्ट, वी डिड लाइन चार्ट। कोई भी डाउट है? डिड एनी ऑफ यू ट्राई दी असाइनमेंट जो मैंने बोला था उसमें से क्वेश्चंस पढ़ने? हाँ, उसमें एक क्वेश्चन, मतलब इफ यू कैन एक्सप्लेन इट अगेन तो अच्छा रहेगा, फिफ्थ वन। वन फिफ्थ वाले में कौन से पार्ट में डाउट है? सेकंड सेकेंड वन, एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी बी इन 1998 वो वाला क्या? हाँ वो बोला। और किसी को कोई डाउट है? मैम अभी तक अटेम्प्ट नहीं किया, कल थोड़ा बिजी था। बाकी लोग? ये वाला हम लोग आज का पहले करने के बाद करें क्योंकि मेरे को थोड़ा आज अनईजी हो रहा है क्योंकि मेरे पास राइटिंग पैड भी नहीं है। तो ये वाला आई विल एक्सप्लेन अ लिटिल लेटर, ठीक ओके है? चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक बार पाई चार्ट से। किसको पता है पाई चार्ट क्या होता है? सेक्शंस में डेटा रिप्रेजेंट करना। ठीक है, और क्या पता है पाई चार्ट के बारे में? ठीक मतलब कोई चीज़ के 100% हो गए तो फिर डिवाइड कर सकते हैं। है, तो मतलब कि ये हम लोग क्लियर है कि पाई चार्ट में परसेंटेज में डेटा होता है, मतलब एक ही चीज का कंपोनेंट दिखाया जाता है पाई चार्ट में। यू कैन नॉट रिप्रेजेंट डिफरेंट थिंग्स ऑन अ पाई चार्ट। आप सब डिविजन दिखा सकते हो पाई चार्ट में। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कंपनी है तो उसका जो डिफरेंट प्रोडक्ट है या डिफरेंट उसका सर्विसेज है उसका क्या शेयर है, दैट यू कैन शो। या फिर इफ यू आर शोइंग कोई चीज़ का प्रोडक्शन तो यू कैन शो स्टेट वाइज प्रोडक्शन क्या है कि पूरा कंट्री में अगर 100% प्रोड्यूस हो रहा है तो कौन सा स्टेट अकाउंट फॉर वॉट प्रपोर्शन ऑफ द प्रोडक्शन, राइट? सो इट बेसिकली इज अ टाइप ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन टूल यूज टू शो कॉम्पोनेंट या फिर सेक्टर्स, राइट? सो ऑफ अ सिंगल इसमें एंटिटी। यस ऑफ अ सिंगल एंटिटी। तो पाई चार्ट में टू थिंग्स हम लोग को याद रखना है। टू टाइप्स में डेटा प्रेजेंट हो सकते हैं, एक होता है परसेंटेज पाई चार्ट और एक होता है डिग्री पाई चार्ट। ऑल ऑफ अस नो कि सर्कल एक पॉइंट के अराउंड एंगल इज 360 डिग्रीज। एक स्ट्रेट लाइन पे 180 होता है और एक पॉइंट पे 360 डिग्रीज होता है, राइट? तो यहाँ पे मेरा कर्सर पे तुम्हें ध्यान देना, यहाँ एकदम मिडिल में इसके अराउंड भी आप 360 डिग्रीज। तो जैसे यहाँ पे प्रिंटिंग कॉस्ट है, पेपर कॉस्ट है, ईच डिविजन जो एक पिज्जा के स्लाइस की तरह लग रहा है दैट इज कॉल्ड अ सेक्टर। तो अब ये सेक्टर को यहाँ पे परसेंटेज में दिया गया है। ये वाला एग्जांपल में देखो, यहाँ पे इट इज गिवन इन डिग्रीज। हमेशा इफ यू एड अप ऑल द परसेंटेज या इफ यू एड अप ऑल द डिग्रीज, परसेंटेज एड अप करने से 100 आना चाहिए टोटल, एंड डिग्रीज एड अप करने से 360 डिग्रीज आना चाहिए। तो अगर से सपोज यहाँ पे प्रिंटिंग कॉस्ट 35% है, या फिर पेपर कॉस्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है पेपर कॉस्ट इज 10% ऑफ द इंटायर जो हम लोग का यहाँ पे दिखाया जा रहा है एक्सपेंसेस ऑन वेरियस आइटम्स, इसमें से पेपर कॉस्ट अकाउंट फॉर 10%। तो इसको हम लोग एंगल हाउ मच ऑफ द 360 डिग्री विल बी डिनोट टू इट, कौन बोलेगा? ट्राई 36 डिग्रीज, कैसे निकालें? 10% ऑफ 360 डिग्रीज। राइट? तो अगर हम लोग से प्रिंटिंग कॉस्ट का पूछे तो देन 35% ऑफ 360 डिग्रीज।
राइट, तो समझ में आ रहा है कि सेंट्रल एंगल कैसे हम लोग करते हैं? यही अगर हम लोग को एंगल दे दिया होता कि पेपर कॉस्ट इसके नीचे अगर 10% की जगह 36 डिग्री लिखा हुआ था और पूछा जाता कि व्हाट प्रपोर्शन ऑफ द एक्सपेंसेस इज इनकर्ड इन पेपर, तो हम लोग निकाल सकते थे कि 36/360 इंटू या हंड्रेड, राइट राइट? तो इसीलिए टू पाई चार्ट, ये टू टाइप्स ऑफ पाई चार्ट होते हैं, एक परसेंटेज में और एक डिग्री में, एंड दोनों से हम लोग स्विच करते हैं ये रिलेशन को यूज करके, ठीक है? मेनली पाई चार्ट में यही न्यू थिंग है, इसके अलावा जो क्वेश्चन है वो सिमिलर टू अदर टाइप्स हैं जो हम लोग का बार चार्ट में हम लोग जैसे देखे या लाइन में देखे, तो 31 तो हो गया, 32 ट्राई करो। लोग सब पेपर पेन और कैलकुलेटर लेके बैठे हो अपने साथ? हाँ, B7500। बाकी लोग बोलो। राशि 5 मिनट हो गई, आपका कैमरा अभी तक ऑन नहीं है। 7500 राइट। मुझे का कॉन्फिडेंस वाला दिया, उसको कहते हैं क्यों भी राइट है और फाइल्स भी राइट है। ठीक है, चलो 7500 करेक्ट है। कैसे किए? प्रिंटिंग कॉस्ट 17,500 है, वी कैन सी कि पहले प्रिंटिंग थर्टी कॉस्ट 35। हाँ बोलो बोलो पहले बोलो। 35% ऑफ एक्स को 17,500 ले लिया, देन एक्स निकाल लिया टोटल, एंड देन उसका 15%। ठीक है, तो जो एक्स निकाले वो एक्स क्या था? 50,000 नहीं, मतलब व्हाट डज इट रिप्रेजेंट, व्हाट डज दैट एक्स रिप्रेजेंट? टोटल एक्सपेंसेस टोटल एक्सपेंसेस मतलब अब वो 50,000 को यूज करके हम लोग से कोई भी चीज का कॉस्ट पूछे तो हम लोग वो निकाल सकते हैं डायरेक्टली यूजिंग दैट 50,000, राइट? ठीक है, 33 करो। प्रियांशी और राशि, आप लोग को डाउट है इसमें कुछ भी 31 या 32 में? आप लोग प्लीज अपना कैमरा ऑन कर लो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मेक श्योर कि यू फिक्स द नेटवर्क इशू एंड देन जॉइन, अदरवाइज यू कैन जस्ट सी द रिकॉर्डिंग। एक ही बात है,
C4500। I will send this PDF सी group पे. You want me to send it to you? अच्छा ठीक है, वीडियो आई सेंड. ये एक्चुअली सेल नहीं हो रहा है, तो कॉल ट्राई तो कर लूंगा. तो पीडीएफ से देखो आप लोगों को मिला क्या. सेंड हो रहा है. देखो आ गया आप लोग के पास. यस मैम। वेलकम. चलो थैंक यू. सॉरी. हाँ 33 क्या बोले सब. C4500 हाँ बाकी लोग का भी आ गया. कैसे की 4500 कैसे आया. रुक जाओ तुम लोग दोनों जन में. मैम भी आई बाइंडिंग है वॉन्ट इसका, समवन 27 एल्स किया टू है। आंसर. आई वॉन्ट समवन एल्स टू आंसर सो दैट आई नो कि बाकी लोग भी एक्चुअल में वर्कआउट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे. वो लोग अपना कैमरा भी ऑफ करके रखे हैं तो एटलीस्ट दे कैन से कि कैसे हो रहा है. प्रियांशु राशि को बोलो कैसे किया आप लोग. अच्छा छोड़ो देखे न्यूज से. मैम पहले बाइंडिंग एंड इसका निकाला, 27 के आएगा। पहले टोटल निकाल लिया, पिछले में 50,000 था बट इसमें 1,50,000 है। एंड देन अलग ठीक अलग से है दोनों के परसेंटेजेस निकाल लिए एंड देन डिफरेंस। बीएनसी ठीक है. का ठीक 27 के था एंड रॉयल्टीज का 22.5। है
कोई डाउट है या क्वेश्चन है किसी को भी? मैम एक बार एक्सप्लेन कर दो, मैं अभी ज्वाइन किया हूँ इसलिए। हाँ तो देखो यहाँ पे बोल रहे इफ मिसेलेनियस एक्सपेंसेस आर 6,000 हाउ मच वो, ठीक है सेकंड पार्ट को हटाओ, अगर बोलती है मिसेलेनियस एक्सपेंसेस 6,000 है तो विच मीन्स कि हम लोग का टोटल एक्सपेंसेस विल बी 6,000 बाय 4%। यस मैम, ठीक है तो वो कितना आएगा? सिक्स थाउजेंड बाय फोर करो, वन वन लाख लैख फिफ्टी टू थाउजेंड थाउजेंड नहीं तो 1,50,000 हम लोग का टोटल है। अब हम लोग को पूछ रहे हैं हाउ मच मोर आर बाइंडिंग एंड कटिंग चार्जेस दैन रॉयल्टी, मतलब दे आर आस्किंग अस द डिफरेंस बिटवीन रॉयल्टी एंड बाइंडिंग कटिंग का चार्जेस। तो सिंस हम लोग का टोटल है 1,50,000 तो उससे हम लोग बाइंडिंग एंड कटिंग निकाल सकते हैं 18% ऑफ 1,50,000 एंड रॉयल्टी विल बी 15% ऑफ 1,50,000। अब इसको करने का एक सिंपलर वे है जिसमें कैलकुलेशन कम करने का, कि पहले ही परसेंटेज फॉर्म में यू सी कि रॉयल्टी एंड बाइंडिंग कटिंग का डिफरेंस कितना है, 3%। 3% ज़्यादा है बाइंडिंग एंड कटिंग चार्जेस तो सीधा 1,50,000 का 3% यू कैन कैलकुलेट। एंड बाई चांस अगर ये हो राइट। सकता है उस टाइम आपको स्ट्राइक नहीं करे या फिर हो सकता है कि यू आर नॉट श्योर ऑफ दिस मेथड, तो दिस मेथड इज कम्प्लीटली फुल प्रूफ कि आप 1,50,000 का पहले 15% निकालो विच इज रॉयल्टी चार्ज एंड 1,50,000 का 18% निकालो विच इज बाइंडिंग कटिंग एंड दोनों को सब्ट्रैक्ट करके यू विल गेट द डिफरेंस ऑफ 4,500। आई थिंक आपको डाउट शायद इसलिए होगा क्योंकि 32 में हम लोग दूसरा टोटल निकाले थे। हो सकता है लेकिन यू हैव टू कंसिडर एवरी क्वेश्चन एज अ सेपरेट क्वेश्चन अंटिल एंड अनलेस कोई स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि सेम ही चीज को हम लोग को कंटिन्यू करना है। यहाँ पे जैसे हम लोग को लिखा हुआ था कि इफ द मिसेलेनियस एक्सपेंसेस आर 6,000 तो ये जो इफ फैक्टर है दिस कैन आस्क अस टू डू एनीथिंग। हो सकता है इसमें इन लोग एक नया कंपोनेंट भी ऐड कर दे इफ दे के, तो इसीलिए यू डोंट हैव टू थिंक कि पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग टोटल इतना निकाले थे तो ये क्वेश्चन में भी टोटल वही कंसिडर करेंगे। ठीक है समझ में आ गया कि और कोई डाउट है? क्लियर। हो गया क्लियर? ठीक है तो अब 34 कर लो जल्दी से। B61.2 सेव। बाकी लोग के लिए ठीक72 61.2 किसका आया? मेरा आया था। एक्सटेंड का वो कैसे आया? नहीं एक सेकंड मैं चेक कर रहा हूँ। जो भी यू हैव डन एक्सप्लेन इट, जिसका 72 आया दैट पर्सन विल आल्सो एक्सप्लेन। तो पहले प्रिंटिंग कॉस्ट का परसेंटेज दिया है 35%, सो 35% ऑफ 360 विच कम्स टू 126। ठीक है देन एडवर्टाइजमेंट का 18% है, अगेन 18% ऑफ 360 विच कम्स टू 64.8। सॉरी सॉरी मैं गलत हूँ, मैंने 15% फिफ्टी ले लिया, मैंने रॉयल्टी का ले लिया। 61.2 करेक्ट है एंड यही मेथड यूज करना, नहीं तो एज आई सेड प्रीवियस क्वेश्चन में इसमें भी हम लोग डायरेक्टली परसेंटेज माइनस कर सकते हैं 35
माइनस 18 करके कितना आएगा, 35 17 आएगा, तो 17% ऑफ 360 निकालेंगे तो वील ऑटोमेटिकली गेट 61.2 डिग्री। ये सब आप लोगों को प्रैक्टिस करते करते होएगा, क्योंकि दीज आर द थिंग्स विच विल इंक्रीज योर स्पीड इन द एग्जाम। लास्ट क्वेश्चन करो, पेपर कॉस्ट इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ प्रिंटिंग कॉस्ट। सेपरेट आंसर या एनी वन हैविंग एनी डाउट इन 34 और 35? क्लियर है परसेंटेज पाई चार्ट का कॉन्सेप्ट पूरा? अभी हम लोग और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? चलो नेक्स्ट वी विल डू अ मिक्स्ड एग्जांपल, क्योंकि एज वी नो कि एसेट इतना भी इजी तो है नहीं कि दे विल गिव अस सिंपल सिंपल क्वेश्चन, बस एक पाई चार्ट दे दिया या एक बार चार्ट दे दिया। तो यूजुअली व्हाट दे डू इज कि दे मिक्स टू काइंड ऑफ चार्ट्स, एंड हाउ डू दे मिक्स इट, उन लोग जैसे ये एग्जाम्पल है, इसमें दे हैव गिवन अस अ पाई चार्ट एंड दे हैव ऑल्सो गिवन अस अ डेटा टेबल। एक बार फर्स्ट आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू रीड द पाई चार्ट एंड रीड द टेबल एंड सी कि इससे क्या समझ आ रहा है आप लोग को। मैम, पाई चार्ट रिप्रेजेंट्स द एम्प्लॉइज वर्किंग इन डिफरेंट सेक्टर्स रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर, एंड दूसरा वाला इज मेन इज टू वुमेन वाला रेशियो इन सेक्टर्स। ओके, तो मतलब दे हैव गिवन अस, मतलब पाई चार्ट सिर्फ हम लोग को यही डेटा दे पाता कि कितने कौन से डिपार्टमेंट में कितने परसेंट एम्प्लॉइज है, और उसके साथ व्हेन दे हैव अटैच्ड द डेटा टेबल सो नाउ वी ऑल्सो नो द जेंडर का क्या प्रपोर्शन है हर डिपार्टमेंट में, राइट? तो ऐसे ही करके दे विल गिव यू, दे कैन ईदर गिव यू टू पाई चार्ट और दे कैन गिव यू अ पाई चार्ट विद अ बार ग्राफ या दे कैन गिव यू टू डेटा टेबल्स। तो इन एनी फॉर्म दे कैन गिव टू काइंड ऑफ डेटा प्रेजेंटेशन एंड उसके ऊपर बेस दे विल आस्क यू क्वेश्चन। तो एक बार एग्जाम्पल 15 देखो, आई डोंट वॉन्ट यू टू सी द सोल्यूशन। एक बार एग्जाम्पल 15 ट्राई करो। ऑप्शन डी 429।
और कुछ बोलो क्या लग रहा है। प्रियांशी अपने आप को अनम्यूट करो और बोलो 429 कैसे आया। मिस पहले वो 0.22% होता है, वो 79.2 अपॉन 360, क्योंकि 360 डिग्रीज है, और उसमें से नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज़ चाहिए तो इनटू 3250, और मेन और वेमेन का रेशियो मतलब नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ में हमने किया था इनटू 3250, और फिर उसमें मेन और वेमेन का रेशियो दिया हुआ है तो 3 अपॉन टोटल 7, 3/5 सॉरी। पहला बात आपने 0.22% बोला, वो 0.22% नहीं, वो 22% होगा। 79.2 इज 22% ऑफ 360 डिग्रीज, एंड इससे फिर हम लोग विच मीन्स कि 22% ऑफ 3250 ऑफ द एम्प्लॉइज, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आर एम्प्लॉयड इन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट। अब मार्केटिंग डिपार्टमेंट में टोटल हम लोग के पास इतने एम्प्लॉयज आ गए 715, एंड वी नो कि 3:2 के रेशियो में है मेन्स टू वुमेन, तो इसीलिए यहाँ पे मेन पूछा है, तो 3/5 ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आर मेन, तो 715 × 3/5 इज 429। वो किसी को भी कोई प्रॉब्लम हुआ ये सम करने में? हाँ मैम, मैंने डिग्रीज को परसेंटेज ले लिया था, इसलिए मेरा आंसर ही नहीं आ रहा था। ठीक है, तो ये देखना अभी एग्जाम नहीं समझ चल आया। रहा था। हाँ एग्जाम नहीं चल रहा, फिर भी हम लोग वी आर बिकमिंग अ लिटिल एब्सेंट माइंडेड अबाउट दिस, तो जो एग्जाम में नर्वसनेस के मारे तो आप लोग परसेंट और डिग्री को क्या क्या देख लोगे पता नहीं। ठीक है, तो ये हो गया, और किसी को कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? चलो एग्जाम्पल 16 देखो। मैं सेम लास्ट लास्ट वाले सम जैसा ही होएगा, खाली इसमें एचआर डिपार्टमेंट के वुमेन्स और आईटी डिपार्टमेंट के मेंस निकाल के इक्वेट करने का है, दोनों को सिंपलीफाई करना है। दोनों को रेशियो निकालना है, एक के ऊपर एक डाल कर। ठीक है, वेरी गुड। किसी को कोई प्रॉब्लम, या फिर इफ यू ऑल नीड मोर टाइम तो करो। एंड प्लीज बी ट्रू टू योर सेल्फ, यहाँ पे सोल्यूशन दिया मैं ये सम का, इसलिए एक एग्जाम्पल था, अल्लाह कोडेंट सिट एंड राइट पूरा, इसलिए आई हैव टेकन द सोल्यूशन ऑल्सो। तो यू ऑल मेक श्योर कि आप लोग पहले खुद ट्राई करें एंड देन यू सी द सोल्यूशन। हो गया वो 17 और 18, ट्राई करो।
I want to know how each one of you did number 17. पहले से बोलना मेरे को 70 और 18। बोलो, किसी का भी नहीं हुआ अभी तक। बोलो हो गया है, बोलो। बोलो 17 कैसे थे? पहले वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के डिग्रीज को परसेंट में कन्वर्ट किया, विच गिव्स 38%। देन 38% ऑफ द टोटल विच गिव 1235। देन वो रेशियो में निकाले तो विच गिव्स 988, एंड उसको परसेंट में कन्वर्ट किए टू द टोटल ऑफ दैट डिपार्टमेंट गिव्स 80%। ठीक है। और किसी को कोई दूसरा मेथड ट्राई किया? एक बहुत ही इजी मेथड है इसको करने का, मतलब इट वुड लिटरली टेक यू 1 रेशो से कर सकते हैं, रेशो से कर सकते हैं। हमको इतना कैलकुलेशन करने का जरूरत ही नहीं है ओवर फाइव, बिकॉज हम लोग
एक सिंगल डिपार्टमेंट का बात कर रहे हैं यहाँ पे, राइट? तो इसमें वो चीज़ नहीं हो सकता कि कौन से डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं, बिकॉज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का ही हम लोग को देखना है कि मेन और वुमेन का क्या प्रपोर्शन है. वॉट परसेंट ऑफ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एम्प्लॉइज आर मेन, सिर्फ इतना देखना है हम लोग को. तो कैन वी नॉट डू, यहाँ पे 4:1 दिया हुआ है, विच मीन्स फॉर एवरी वन वुमेन देर आर 4 मैन, विच मीन्स 4/5 ऑफ द इंटायर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज मैन, विच इज 80%, राइट? और यही तो मेथड किया है मैम. नहीं, इन लोग देखो यहाँ पे पूरा निकाले हैं. पहले दे टुक आउट 136.8/360, फिर भाई अगर फर्स्ट स्टेप में हम, अगर फर्स्ट स्टेप में ही हम 4/5 से मल्टीप्लाई कर देते तो हो जाता. 4/5 से मल्टीप्लाई करने का भी जरूरत नहीं, बिकॉज़ दे हैवंट आस्क्ड यू द नंबर, दे हैव जस्ट आस्क्ड यू फॉर द परसेंटेज. तो 4/5 × 100 करोगे तो क्या आएगा? 80. आया समझ में? हाँ. प्रियांशु, प्रियांशी, राशि, आप लोग बोलो. मिस, इसमें जो मेथड है वो ज्यादा इजी लगता है. क्या इसमें सॉल्यूशन में जो मेथड है वो ज्यादा इजी लगता है? हाँ, वो तो ज्यादा इजी लगेगा. इजी तो मेरा वाला मेथड है, लेकिन वो स्ट्राइक नहीं करेगा. हाँ, स्ट्राइक ज्यादा लगेगा, कॉमन सेंस था ये तो. तो इसीलिए दैट इज द रीजन ना, डीआई में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप विदाउट प्रायर प्रिपरेशन सॉल्व नहीं कर पाओ, क्योंकि इट इज नथिंग, इट इज जस्ट सीइंग अ टेबल एंड अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट आर दे आस्किंग और बस आंसर कर देना. लेकिन द रीजन व्हाई वी टेक डीआई क्लासेस एंड द रीजन कि हम लोग बोलते हैं कि प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ डीआई इज बिकॉज व्हाइल डूइंग यू विल कम अक्रॉस दीज शॉर्टकट्स एंड यू विल कम अक्रॉस अ वैरायटी कि हम लोग कैसे कैसे पूछ सकते हैं. चलो 18 बोलो, किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ 18 करने में? नो मैम, हो गया था. हो गया था. अब 18 में हम लोग सेम मेथड यूज कर सकते हैं 17? नहीं नहीं नहीं, नो मैम, टोटल एम्प्लॉइज है ना. टोटल एम्प्लॉइज है तो क्या हुआ, हम लोग कर सकते हैं. आई तो एडेड मेन और वुमेन का टोटल अगर हम लोग टेबल ऐड करें तो 58 आ रहा है. 7/58 करके हम लोग 12% क्यों नहीं बोल सकते? Something around 12% आएगा. Because it is in ratio. Something like that. हाँ, क्या? Ratio में दिया है वो exact. हम फिर pie chart से value निकाल के करेंगे तभी answer आएगा. क्योंकि यहाँ पे हम लोग different departments में compare कर रहे हैं. We are comparing inter department. Number 17 में हम लोग intra department कर रहे थे तो जो number था वो constant था. लेकिन यहाँ पे जो रेशियो है वो भी डिफरेंट है एंड जो नंबर आएगा बिकॉज परसेंटेज इज डिफरेंट. फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में अगर से यहाँ से 1, 2, 3, 5 एम्प्लॉइज थे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट में 715 एम्प्लॉइज थे, तो इस मेथड में हम लोग ये देखेंगे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का 4 और 1 अकाउंट फॉर दिस 1, 2, 3, 5. लेकिन जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में है, मार्केटिंग में ये 3+2 भी 5 है, लेकिन इट इज जस्ट अकाउंटिंग फॉर 715 एम्प्लॉइज. तो ये मिसमैच के कारण नंबर 18 में वी कैन नॉट यूज दैट मेथड, राइट? समझ में आया कि हम लोग ये डिफरेंस क्यों आ रहे हैं दोनों मेथड में? हाँ. और किसी को कोई भी डाउट है 17-18 में, या कोई और method if you guys use to do the two parts? Is this sound clear to all of you? चलो ये वाला जो sum है ये आप लोग का homework रहेगा. It is a similar sum, लेकिन थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है एंड डेटा है. अभी हम लोग पहले वेन डायग्राम करेंगे. वेन डायग्राम क्या होता है? पाई चार्ट में कोई भी डाउट है, डिग्री पाई चार्ट भी हम लोग कर लिए एंड परसेंटेज पाई चार्ट भी कर लिए, कोई भी डाउट दोनों में? बहुत ही इजी चीज़ है, काम करते करते हो सकता है समथिंग
यू माइट कम अक्रॉस, तो वो हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे. आप मेरे को बोलो वेन डायग्राम क्या होता है. वेन डायग्राम इज यूज्ड टू ग्रुप सिमिलर थिंग्स मतलब विजुअली सो दैट इट्स इजी टू रीड. ठीक है, तो पार्थ इज सेइंग कि वेन डायग्राम इज समथिंग टू ग्रुप सिमिलर थिंग्स ताकि हम लोग विजुअली इसको रीड कर पाए इजीली. ठीक है, तो जैसे से सपोज वी हैव अ ग्रुप ऑफ पीपल, उसमें मतलब एक तो पार्टी में यू हैव गॉन, उस पार्टी में सेम कॉलेज से भी लोग हैं, सेम प्रोफेशन. सपोज देर आर 15 पीपल, आउट ऑफ दोज 15 पीपल 7 ऑफ देम आर फ्रॉम एक्स कॉलेज एंड 8 ऑफ देम आर फ्रॉम वाई कॉलेज. लेकिन अनदर मतलब उसी 15 में देर आर ऑल्सो 6 पीपल जिन लोग एक्चुअली परस्यू करना चाहते हैं, देन देर आर 3 पीपल जिन लोग सी ए परस्यू करना चाहते हैं, एंड द रिमेनिंग 6 दे वॉन्ट टू स्टार्ट अपना कोई खुद का स्टार्टअप करना चाहते हैं. ठीक है, तो वी हैव टू वेज ऑफ डिवाइडिंग देम, राइट. हम लोग बोल सकते हैं कि देर आर सम जो एक्स कॉलेज से है एंड दे वॉन्ट टू डू सी ए, या फिर देर आर सम जो एक्स कॉलेज से है एंड दे वॉन्ट टू डू एक्चुअली, एंड सम जो एक्स कॉलेज से है एंड दे वॉन्ट टू स्टार्ट देयर ओन स्टार्टअप. तो टू सी कि कौन कौन से कैटेगरी के अंदर फॉल इन कर रहे हैं, वी कैन इजीली ड्रॉ अ वेन डायग्राम. एंड ये सुनने में जितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, वंस यू मेक दैट वेन डायग्राम इट विल नॉट लुक सो कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि आपको वहाँ पे सीधा फिगर्स दिखेगा कि कौन कौन से ग्रुप से है. ठीक है, तो एक हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं. अब देखो यहाँ पे वी आर टेकिंग अ 3-circle वेन डायग्राम. यूजुअली एग्जाम में 3-circle ही आता है बिकॉज 4-circle इज टू कॉम्प्लिकेटेड एंड 2-circle इज टू ईजी. तो इसीलिए दे यूजुअली 99% ऑफ द टाइम उन लोग 3-circle ही देते हैं, नहीं तो 2-circle देते हैं. आज तक 4-circle ना ही उन लोग ने पूछा है एंड ना ही आई डोंट थिंक उन लोग पूछेंगे ASET लेवल पे. तो 3-circle में क्या है, 3 पैरामीटर या 3-circle वेन डायग्राम means ki there are 3 categories in all. Okay? 3 categories in all. So, yahan pe ek tho Venn diagram hai. F1, F2 and F3. F1, F2, F3 are 3 types of food. And hum log Venn diagram se kya represent karna chah rahe? Ki out of a group, kisko kaunsa type of food pasand hai. तो देर कैन बी पीपल जिनको सिर्फ वन टाइप का फूड पसंद है, देर कैन बी पीपल जिनको F1 एंड F2 पसंद है लेकिन F3 नहीं पसंद है, देर कैन बी पीपल जिनको तीनों टाइप का फूड पसंद है, एंड देर कैन ऑल्सो बी पीपल हु डू नॉट लाइक एनी ऑफ द 3 टाइप्स. ठीक है, तो वो कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ये वाला देखो. ए बी सी, यहाँ पे ए को अपने F1 का करते हैं, बी को F2 एंड सी को F3. इसके बाहर यहाँ पे जैसे एक स्क्वायर बना हुआ है, जो इंटायर रेक्टेंगल या स्क्वायर होगा दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट. सैंपल स्पेस, ठीक है, सैंपल स्पेस ही बोल सकते हैं. एंड सिंस वेन डायग्राम में वी आर ओनली कंसिडरिंग दैट वन रेक्टेंगल, तो यहाँ पे उसको वी कैन ऑल्सो कंसिडर द यूनिवर्सल सेट बिकॉज अपार्ट फ्रॉम दैट देर इज नथिंग एल्स यू आर टेकिंग इन टू अकाउंट. आर यू गेटिंग द पॉइंट? या, ठीक है. सिर्फ इन वेन डायग्राम वी कैन यूज बोथ ऑफ देम साइमल्टेनियसली. वी कैन से दैट द एंटायर थिंग इज रिप्रेजेंटिंग द यूनिवर्सल सेट, क्योंकि इस सैंपल के बाहर जितना भी कुछ है that is of absolutely no use to us. So, इसलिए हम लोग के लिए our universe is only that one box. अब उस box में there are 3 circles या 3 parameters, A, B and C. So, A, B and C are categories or parameters represented by circles. Now these circles, they can intersect also. अब हो सकता है
हम लोग का टू कैटेगरीज है, ब्लाइंड एंड नॉट ब्लाइंड. तो जो ब्लाइंड होगा वो नॉट ब्लाइंड की कैटेगरी में नहीं जा सकते, एंड जो ब्लाइंड नहीं है वो ब्लाइंड की कैटेगरी में भी नहीं जा सकते. तो क्या ये दो सर्कल कभी इंटरसेक्ट हो सकते हैं? क्योंकि टू सर्कल्स इंटरसेक्टिंग मीन्स कि जो उन लोग का इंटरसेक्शन पॉइंट है, जैसे यहाँ पे पर्सन को फॉलो करो, ये वाला जो पॉइंट है इसका मतलब है कि वो ए में भी लाई करे और बी में भी लाई करे. तो क्या ब्लाइंड एंड नॉट ब्लाइंड अगर कैटेगरी है, कैन दोस टू सर्कल्स एवर इंटरसेक्ट? नो, दे आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. क्यों? क्योंकि जो एक कैटेगरी में है वो दूसरे कैटेगरी में नहीं हो सकता, एंड जो दूसरे में है वो पहले कैटेगरी में नहीं हो सकता. सर्कल्स डोंट इंटरसेक्ट. अब अगर हम लोग का जो सर्कल है, जो सर्कल है दे कवर अप द इंटायर यूनिवर्स, विच मीन्स कि अगर एक कैटेगरी ऑफ कॉलेज स्टूडेंट है, एक ग्रुप ऑफ कॉलेज स्टूडेंट है, उसमें वी आर सेइंग कि थ्री कॉलेजेस है एक्स वाई और जेड. तो एवरी स्टूडेंट, सिंस वी नो ऑल ऑफ देम आर कॉलेज स्टूडेंट, एवरी स्टूडेंट इन दैट ग्रुप विल बिलोंग टू सम कॉलेज, राइट? तो टुगेदर ऐसा कोई भी उस यूनिवर्स में कोई भी एलिमेंट या कोई भी स्टूडेंट नहीं बच रहा है जो वन ऑफ द कैटेगरीज में लाई नहीं करेगा, राइट? सर्कल्स के बाहर कुछ भी नहीं बचा, विच मीन्स द सर्कल्स आर टेकिंग अप द एंटायर यूनिवर्स और द कैटेगरी कवर द एंटायर यूनिवर्स. इसको बोलते हैं म्यूचुअली एग्जॉस्टिव. व्हाई एग्जॉस्टिव? बिकॉज जो कैटेगरीज है दे आर एग्जॉस्टिंग द एंटायर यूनिवर्स, दे आर नॉट लीविंग इवन अ सिंगल एलिमेंट आउटसाइड इन द यूनिवर्स. नेक्स्ट, अब देखो अगर ऐसा कुछ है कि एक तो स्क्वायर है एंड इसके अंदर सर्कल 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 है, द सर्कल्स डोंट इंटरसेक्ट ईच अदर बट दे कवर द फुल यूनिवर्स, तो उसको हम लोग बोलेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव. ये सब डेटा इंटरप्रिटेशन में इतना काम नहीं आएगा, लेकिन आगे जाके जब हम लोग स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी करेंगे या लॉजिकल रीजनिंग में हो सकता है थोड़ा सा, उस टाइम दीस थिंग्स विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. When the circles are mutually exclusive and exhaustive, वो touch करेंगे ना एक point पे? हाँ, क्योंकि they cannot leave कोई भी space बाहर में. Right. हो सकता है कि while drawing हो सकता है कि we leave some space, but until and unless उस space में कोई element है, it does not matter. फिर वो circles होंगे क्या अगर वो mutually exhaustive है तो? अगर वो म्यूचुअली एग्जॉस्टिव है तो सर्कल्स क्या होंगे, मतलब नहीं समझी मैं. नहीं मतलब सर्कल्स होंगे क्या, क्योंकि अगर सर्कल्स ड्रॉ कर रहे हो तब बीच में स्पेस तो रह ही जाता है. स्पेस रहने से प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज जस्ट अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग. जैसे यहाँ पे सपोज ये 12 जो है ये बाहर है, विच मीन्स कि 12 पीपल इन दैट ग्रुप दे डिडंट लाइक F1, F2 और F3, ठीक है? मतलब तीनों टाइप का खाना दे डू नॉट लाइक, सो 12 पीपल आर लेफ्ट आउट इन द यूनिवर्स, दे डू नॉट फॉल इनटू एनी ऑफ द कैटेगरीज. तो इसलिए यहाँ पे हम लोग का छूट गया, तो इसलिए इट इज नॉट एन एग्जॉस्टिव सेट. क्योंकि ये थ्री मतलब हो सकता है कि एक फोर्थ टाइप का फूड अगर हम लोग लेते तो ये 12 पीपल को मे बी वो फोर्थ टाइप का फूड पसंद आता, या हो सकता है हम लोग और 2-3 टाइप्स का फूड लेते, कुछ ना कुछ तो दे मस्ट बी लाइकिंग. तो अगर हम लोग वो सब कैटेगरीज को भी इंक्लूड कर लेते अपने स्टडी में या अपने सर्वे में, तो ये 12 पीपल को भी हम लोग कोई सर्कल के अंदर डाल सकते थे, तो तब दैट वुड हैव बिकम एग्जॉस्टिव. एंड व्हाइल ड्राइंग इट इज नॉट नेसेसरी कि जो सर्कल है आपका वो विजुअली पूरे स्क्वायर को कवर करे. इट मीन्स कि यहाँ बाहर में जो 12 है दिस शुड हैव बीन 0, विच मीन्स कि नो एलिमेंट इज लेफ्ट आउट ऑफ द कैटेगरी. राइट राइट. Are you understanding? Yeah. अभी कोई लिखा उसको exclusive and exhaustive वापस समझ ले. तो देखो exclusive मतलब क्या होता है? Exclusive in general English meaning
एक्सक्लूसिव मीन्स कि जो एक के पास है वो दूसरे के पास नहीं है, राइट? कौन, किसको डाउट था अभी, कौन पूछा? मिस आई हैड दिस डाउट. हाँ प्रियांशी, तुम सुनो, बाकी लोग भी सुनो कि अगर एक्सक्लूसिव है, जैसे ब्लाइंड एंड नॉट ब्लाइंड का मुझे एग्जांपल दिए, जो ब्लाइंड है वो नॉट ब्लाइंड नहीं हो सकता है. टू कैटेगरीज है, एक ग्रुप है उसमें टू कैटेगरीज हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, एक ब्लाइंड है और एक नॉट ब्लाइंड है. तो जो ब्लाइंड ग्रुप में जा रहे हैं वो नॉट ब्लाइंड में नहीं जा सकता, और जो नॉट ब्लाइंड में जा रहे हैं वो ब्लाइंड में नहीं जा सकता, राइट? हाँ. तो अगर हम लोग दो सर्कल बनाए, दो सर्कल इंटरसेक्ट होना मतलब कि वो दोनों ग्रुप का पार्ट है, जितने भी एलिमेंट्स विल लाई इन दैट इंटरसेक्शन. जैसे यहाँ पे ये ए और बी इंटरसेक्ट हो रहे हैं ये पूरा पार्ट में, विच मीन्स कि इस पार्ट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो ए के भी पार्ट है एंड बी के भी पार्ट है. लेकिन अगर ऐसा होता तो फिर ये ब्लाइंड एंड नॉट ब्लाइंड वाला एग्जाम्पल नहीं हम लोग ले पाते, क्योंकि इसमें देयर कैन नॉट बी इवन अ सिंगल पर्सन जो दोनों ग्रुप में लाई करे. तो सर्कल्स डोंट इंटरसेक्ट व्हेन द कैटेगरीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. Also, ma'am, ये जो ब्लाइंड एंड नॉट ब्लाइंड वाला एग्जांपल है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव भी है ना, क्योंकि यू आर ईदर ब्लाइंड और यू आर नॉट ब्लाइंड. इट इज आल्सो एग्जॉस्टिव, राइट? इट इज बोथ एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, क्योंकि ब्लाइंड और नॉट ब्लाइंड के बीच का कुछ नहीं होता है. नो वन इज आस्किंग क्योंकि आप पूरा देख सकते हो या आप कम देख सकते हो. दे आर जस्ट आस्किंग कि आप देख सकते हो कि आप नहीं देख सकते हो, ठीक है? So either you can see or you can't see. So it is exclusive also and exhaustive also. तब देखो प्रियांशी, exclusive समझ में आया? पहले बोलो. Yes, miss. Exhaustive क्या हुआ? Exhaustive, exhaust करना मतलब कि what do you say? You have this much level of energy, you have exhausted it. मतलब आपका energy जो है वो खत्म हो गया. यहाँ पे exhaustive मतलब आपके पास एक sample है या एक universe है, एक group of elements है. If you are putting every element into at least one category, ho sakte someone falls into two categories also. If our categories are not exclusive, then ho sakte that they fall under two categories. Jaise yahan pe food ka example hai. You can like two kinds of food. Koi aapse ye nahi puchha what is your most favorite food. They're just asking you what you like. You can like two types also. You can like three types also. You can like one type also. But if every single person in our survey likes at least one kind of food, तो इसका मतलब क्या होगा कि सबको हम लोग कोई ना कोई कैटेगरी में डाल पा रहे हैं. There is no one who is left out. Yes. तो मतलब हम लोग क्या, we are exhausting the entire group with our survey. Yes. इसका मतलब क्या हुआ, circles will cover the full universe. Which means कि हम लोग अपने categories के बाद, circles क्या होते हैं, categories, तो सब categories को जब हम लोग draw कर लेंगे and उसके अंदर elements fill in कर देंगे, उसके बाद there will not be anyone जो बाहर छूट गया हो. Which means we are covering the full universe with our circles या categories. अब समझ में आया? Yes, miss, understood. और mutually exclusive and exhaustive क्या होगा, जैसे कि निखिल ने point out किया कि blind and not blind. इट मीन्स कि हम लोग हर एक इंसान को कोई ना कोई कैटेगरी में डाल भी रहे हैं, और जब हम लोग डाल रहे हैं तो नो पर्सन कैन गो इनटू टू कैटेगरीज. सबको वन ग्रुप ही चूज करना पड़ेगा, दे कैन नॉट चूज टू थिंग्स या मोर देन टू थिंग्स. समझ में आया? यस मिस, अंडरस्टूड. और किसी को कोई डाउट इसमें? अब देखो नेक्स्ट, पहले इंटरसेक्शन. कोई भी चीज का इंटरसेक्शन हम लोग वेन डायग्राम में कैसे निकालेंगे? टू सर्कल्स जब इंटरसेक्ट करेंगे तो जो उन लोग का इंटरसेक्शन पॉइंट है दैट इज कॉल्ड द इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द कैटेगरी. तो इस एग्जांपल में F1 और F2 अगर टू टाइप्स है तो जो उसका इंटरसेक्शन है विच इज 5 एंड 7, 5 एंड 7 उनके इंटरसेक्शन में लाई कर रहा है. यस और नो? यस. 5 एंड 7 आर लाइंग F1 एंड F2 के इंटरसेक्शन में. तो इट मीन्स
कि ये जो 12 पीपल है दे लाइक बोथ F1 एंड F2, सो दे बिलोंग टू बोथ द ग्रुप, राइट? सिमिलरली यूनियन, यूनियन क्या होता है? अपना एक झुंड बनाना. यूनियन मीन्स कि अगर हम लोग सपोज F1 एंड F2 का एक यूनियन बनाए तो उसमें कौन कौन होगा? जिनको F1 भी पसंद है, या जिनको या तो F1 पसंद है या F2 पसंद है. अब हो सकता है कि किसी को दोनों पसंद हो, या हो सकता है किसी को कोई और भी पसंद हो, लेकिन एज लॉन्ग एज उसको F1 या F2 पसंद है वो उस यूनियन का पार्ट होगा, राइट? तो यहाँ पे हम लोग F1 और F2 के यूनियन में कौन कौन सा नंबर को लेंगे? 6, 4, 5, 7, 3, 4. मतलब बेसिकली 12 और 5 को छोड़ के हम लोग सारा को लेंगे, राइट? तो ये हम लोग कैसे निकालें? यूनियन निकालते टाइम अब हम लोग ये भी तो बोल सकते हैं कि ये जो 5 पीपल है इनको तो F1 भी पसंद है एंड F2 भी पसंद है, तो हम लोग को 10 लेना चाहिए 5 की जगह. बिकॉज ऐसे तो हम लोग फिर गड़बड़ कर दे रहे हैं कि वी आर जस्ट अज्यूमिंग कि वो 5 पीपल को या तो F1 पसंद है या F2 पसंद है. लेकिन जब हम लोग यूनियन बना रहे तो एक पर्सन तो एक ही एंट्री ले सकता है ना. दैट पर्सन के नॉट वन पर्सन इज वन पर्सन ओनली, ही के नॉट गो एंड बिकम टू पीपल इन दैट यूनियन. तब वो F1 की तरफ से गया कि F2 की तरफ से गया, दैट इज नॉट आर कंसर्न. आर कंसर्न इज कि वो उस यूनियन का पार्ट है, तो इसलिए वी विल काउंट हिम एज वन. जैसे देखो यहाँ पे ए ओनली बी ओनली, दिस इज जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस शेप. अब ये वाले पार्ट को भी बी पसंद है, इस पार्ट को भी एंड इस पार्ट को भी, बिकॉज दिस इंटायर सर्कल रिप्रेजेंट एवरी सिंगल एलिमेंट जो कैटेगरी बी में लाई करता है. सिमिलरली ए का ये पूरा सर्कल जो है इट रिप्रेजेंट एवरी सिंगल एलिमेंट या एवरी सिंगल पर्सन जो ए में लाई करता है. अब अगर पूछिए कि ए बी सी तीनों में कौन लाई करता है, जस्ट दिस स्मॉल ट्राइंगल जैसा जो है. अगर कोई पूछे कि ए और सी ही, तो मतलब ए एंड सी तो ये पूरा शेप होगा, दिस लीफ काइंड ऑफ शेप. लेकिन वी आर सेइंग कि ए एंड सी ओनली, विच मीन्स कि अगर उसको बी पसंद है तो वो हम लोग का दुश्मन है. वी डू नॉट वॉन्ट टू इंक्लूड दैट पर्सन, सो वी विल एक्सक्लूड दिस पार्ट, क्योंकि इसमें ए एंड सी तो है बट बी भी है. सो दिस पार्ट इज ए एंड सी ओनली. जैसे अगर यहाँ पे आई विल आस्क यू कि अगर हम लोग F2 एंड F3 का एक ग्रुप बना रहे, पीपल हु लाइक F2 एंड F3 ओनली, दे डू नॉट लाइक F1, तो उस ग्रुप में कितने लोग होंगे? 12. और कोई बोलो. F2 एंड F3 ओनली, नॉट F1. और कोई बोलो क्या होगा? सॉरी मैम, रिपीट करना. आई एम सेइंग वी आर क्रिएटिंग अ ग्रुप हु ओनली लाइक F2 एंड F3 बट नॉट F1. और कोई ट्राई करना चाहेगा? Yanshu, आधा बहुत चुप हो. I want you to answer. I want you to respond. Those who like F2 and F3 but not F1, right? पहले तो 3 होगा. 12. अच्छा, now I'll ask you, people who like F2 or F3 but not F1. 12. वाह सर जी, तो टू क्वेश्चन का सेम आंसर तो नहीं हो सकते. मैंने पिछले में 3 बोल दिया था ना बाद में. हाँ. अभी 12. निखिल, आई वांट टू नो तुम क्या बोलोगे अब? F2 और F3 बट नॉट F1. लिखा ये सब ये एंड और का जो है वेन डायग्राम में, दिस इज ऑल दैट मैटर. एंड
और जब इंटरसेक्शन होगा यूजुअली एंड होगा, एंड जब यूनियन होगा यूजुअली और होगा। ये जरूरी नहीं है कि 100% मैंने एंड टाइम को में ये सेपरेटिंग वर्ड सोचा इसलिए। समझ गए मैं। ये जरूरी नहीं कि 100% टाइम करेक्ट हो, लेकिन 99% ऑफ द टाइम इंटरसेक्शन के लिए जब एंड लिखे तो हम लोग को इंटरसेक्शन निकालना है, एंड जब और लिखे तो हम लोग को यूनियन निकालना है। ओके अब देखो ये वाला सम हम लोग ट्राई करते हैं। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू ये PDF मैंने भेज दिया है ग्रुप में, अपना कॉपी में सब लोग ये नोट्स को कॉपी करेंगे एंड ये जो डायग्राम है इसको कॉपी करेंगे। जिस वन थिंग एक बार इस डायग्राम में लिखा हुआ नहीं है, यहाँ पे एक तो बॉक्स बना देना आउटसाइड एंड जस्ट राइट यूनिवर्स। ओके क्योंकि इस डायग्राम में वो ड्रॉ नहीं किया हुआ है। एक सेकेंड ये जो है जल्दी से करो एक बार, इसमें सिर्फ 3 पार्ट्स ही है। 15 बोलो 46 का कितना होगा? 15 ठीक है, और 47 बोलो 5 अब समझ में आया निखिल? उस टाइम दिस वाज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। निखिल और पार्थ नहीं आंसर करेंगे, प्रियांशु आंसर करेगा ये वाला। मेरे को जानना है कि प्रियांशु आपको क्लास में समझा है कि नहीं समझा। प्रियांशु बस क्लास को ऑन छोड़ के कहीं चला गया। नहीं मैम। I don't know what's the point. अच्छा सर बोलो क्या होगा 48? प्रियांशु हैव यू अंडरस्टूड कि क्या होता है व्हेन डायग्राम एंड कैसे रीड करते हैं उसको? पक्का? क्योंकि नहीं समझ में आया तो आई विल एक्सप्लेन इट अगेन, लेकिन प्लीज मेक श्योर कि सिंस यू आर अटेंडिंग द लाइव क्लास आपके पास ये एडवांटेज है कि आप बार बार मेरे से पूछो कि आपको कौन सा पार्ट नहीं समझ में आ रहा है। बोलो प्रियांशु क्या होगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक F1 और F3? राशि बोलो। प्रियांशी आप ट्राई करो इस बार। 30 प्रियांशी राशि 30 आप लोग ये तो बोल दो यू अग्री और डिसएग्री। हम ये वाला समझा समझाएंगे ठीक है। राशि आप बोलो, आपको भी अगर नहीं समझ में आ रही तो बोल दो कि नहीं समझ में आ रहा है, आई एक्सप्लेन इट। और अगर आ गया समझ में तब फिर आंसर बोलने में क्या है? ठीक है चलो निखिल पास, आप लोगों को भी 30 लगता है? हाँ 30। निखिल मैम इसके मतलब लैंग्वेज में मेरे को कंफ्यूजन हो रही है।
लाइक हु लाइक एफ वन और एफ थ्री, सो इज इट लाइक ओनली एफ वन एंड एफ थ्री या फिर एवरी वन हु लाइक एफ वन एंड एफ थ्री रिगार्डलेस ऑफ द अदर फैक्टर्स? और अगर लिखा है तो हम लोग यूनियन निकालेंगे, विच मीन्स कि राइट, फिर तो हम लोग को एफ वन और एफ थ्री का जो सर्कल्स है दोनों का एक यूनियन बना दें, राइट? तो अब या तो एफ वन पसंद है या एफ थ्री पसंद है. अब भले आपको एफ वन और एफ थ्री दोनों पसंद हो मैम, तो अगर सिर्फ एफ वन एंड एफ थ्री निकालना होता तो वो ओनली लिखते क्या उसके सामने? Like only F1 or only They would write who liked only F1 or only F3. Okay, बस अब कोई doubt नहीं होगा मेरे को. ठीक है, तो until and unless वो word only mention, जैसे ही वो only आ जाता है, then you have to be very cautious कि you only take into account those parts. ठीक है, as long as only नहीं लिखा हुआ, it means कि आप F1 के अलावा you are allowed to like other things. ठीक है, तो F1 कौन कौन लाइक करते हैं? These six people who like only F1. Five people है जिनको F1 और F2 पसंद है. Seven जिनको तीनों पसंद है. Four है जिनको F1 और F3 दोनों पसंद है. Five यहाँ पे who only like F3. And three यहाँ पे who like F2 as well as F3. तो मतलब all these people except this four and this 12. इन सब में कॉमन क्या है कि उनको या तो F1 पसंद है या F3 पसंद है. इसके अलावा व्हाट दे लाइक और व्हाट दे डोंट लाइक इज नॉट अ कंसर्न. दे लाइक F1 और दे लाइक F3, तो इसीलिए वी कैन इंक्लूड देम इन आवर यूनियन. समझ में आया प्रियांशु और राशि? इसलिए ये सब नंबर्स को मिला दो. 6 + 5 + 4 = 7 = 3 = 5. इन सबको ऐड करके वी विल गेट 30. आप समझ में आया वर्डिंग? Yes, ma'am. ठीक है, अब बस आज के लिए लास्ट टाइम एक बार, इसके बाद एक बहुत ही बड़ा टाइप का समय मेरे पास, बट दैट वी विल डू नेक्स्ट क्लास में. एक बार ये करो 36. कैसे आया 50? मैं बताऊं? बताऊं? बताओ. उन्होंने टोटल कैंडिडेट्स दिए हुए 80 है व्हिच अपीयर्ड, और यहाँ पे उन्होंने वेन डायग्राम में देख रखा है 1830 एंड द नेक्स्ट. तो पहले एक्स को फाइंड करेंगे, 80 इन सबको ऐड करके 80 से माइनस करेंगे, एंड फिर इनका इन्होंने से पूछा है पास्ट इन मैथमेटिक्स, सो 30 + x 30 + 20 = 50. किसी को भी कोई डाउट है ये क्वेश्चन में? या कोई चाहते हैं कि मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करूं? No, ma'am. नहीं, सबको क्लियर है ये?
अच्छा चलो लाइक फिनिश दिस टॉपिक आज हिंदी, ये वाला सम पढ़ो, ये सम पढ़ो और इसका वेन डायग्राम बनाने का ट्राई करो. वांट टू वेन डायग्राम, एक ऑफ स्टूडेंट्स पासिंग एंड एक ऑफ स्टूडेंट्स फेलिंग. मतलब एक में जो कैटेगरीज होगा, थ्री कैटेगरीज होगा. यहाँ पे वी कैन सी थ्री पेपर्स है, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स. तो थ्री पेपर्स में थ्री कैटेगरीज होगा. पासिंग वाला में इट विल बी स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड फिजिक्स, स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड केमिस्ट्री एंड स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड इन मैथमेटिक्स. और जो फेलिंग वाला एक और वेन डायग्राम होगा, उस वेन डायग्राम में तीनों सर्कल्स विल रिप्रेजेंट फेल्ड इन फिजिक्स, फेल्ड इन केमिस्ट्री एंड फेल्ड इन मैथमेटिक्स. I'm giving all of you time. आप लोग भी पढ़ो. And please कोई भी ग्रुप में PDF खोल के नहीं आंसर देखिएगा. मैम आपने दो वेन डायग्राम बनाने बोला. जैसे यहाँ पे देखो, आई एम जस्ट शोइंग यू अ झलक. ऐसे थ्री सर्कल्स होगा और थ्री सर्कल्स होगा. ये पास का पास वाला बन गया. पास वाला बन गया. यस ठीक है. और एक दूसरे को बता ले दो. फेल वाले का वेन डायग्राम कैसे बनेगा? ट्राई करो. अगर नहीं हो रहा देन ऑब्वियसली आई विल एक्सप्लेन कि कैसे बनेगा. पास भी अवेल एक बार ट्राई करो फेल का बताने का. इवन इफ नॉट फुल वेन डायग्राम यू आर एबल टू फिल इन, ट्राई टू फिल इन सम पार्ट्स ऑफ इट. मैम फेल का कोई आइडिया नहीं है कैसे स्टार्ट करना. पास का बन गया सबका? नहीं, 2 मिनट.
अगर सबका पास का बन जाए तो दीज राइट यस, देन वी विल डिस्कस पास एंड देन फेल। पास तो बन गए, सबका पास बन गया। हेलो ठीक है। मैच किया सबका पास, ये बीच में जो है 206 है। किसका किसका मैच किया? मेरा मैच हुआ है। तुम्हारा मैच हुआ? गलत है मैम, मेरा पास क्या बोला, हुआ कि नहीं हुआ? पास मैच हुआ, मेरे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, मैंने वो पीसीएम में कंफ्यूज हो गया, गलत हो गया था। प्रियांशी का मैच हुआ, व्हाट अबाउट राशि एंड प्रियांशी? सेम सेम, किसके साथ खेल प्रियांशी मतलब साथ? नहीं नहीं मैच हो गया, आंसर मैच हो गया, ठीक है। राशि भी लिख रही है सेम, मतलब हम रिज्यूमिंग कि मैच हो गया। देखो अब एक्सप्लेन करते हैं, हम लोग को पता है टोटल में 1500 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, एंड थ्री पेपर्स है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, 190 स्टूडेंट्स पास इन फिजिक्स ओनली, तो ये 190 तो बहुत ही ईजी था, ये वाला पार्ट ओनली पी वाला 190 केमिस्ट्री ओनली, 240 मैथमेटिक्स ओनली, तो ये थ्री अमाउंट वेरी इजी टू फिल इन। 366 पास इन बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, लेकिन यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि 366 जो थे वो सिर्फ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में हुए, दे हैव सेड कि ये जो पूरा चीज़ है मतलब फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स का टोटल इंटरसेक्शन इज 366। सिमिलरली यहाँ लिखा 346 मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों का इंटरसेक्शन है, एंड 326 इज फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का टोटल इंटरसेक्शन, और लिखा है 206 पास इन ऑल थ्री पेपर, मतलब कि बीच में जो है पी सी और एम तीनों का जो इंटरसेक्शन है दैट इज 206। ये समझ में आया सबको कि बीच का 206 है एंड ओनली वाला तीनों। अब वी नो कि ये वाला जो शेप है सपोज पी एंड सी का टोटल इंटरसेक्शन, उसमें से ये तो 206 है एंड टोटल इंटरसेक्शन वॉज 326, तो रिमेनिंग अमाउंट पास्ड ओनली इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, दे डिड नॉट पास इन मैथ्स, तो यहाँ पे 120 आ गया। सिमिलरली फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स दोनों मिला के, एक सेकंड फिर से बता रहा हूँ, देखो ये समझ में आया 190 180 240 कैसे आया, ये तो डायरेक्टली लिखा हुआ है ओनली 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 करके, 206 की लास्ट लाइन में लिखा हुआ है कि तीनों पेपर में 206 पास हुए हैं, तो बीच का जो ट्रायंगल है इट रिप्रेजेंट्स तीनों का इंटरसेक्शन, तो ये 206 हुआ। अब इसके पहले जो लिखा है 366 पास इन बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, मतलब ये देखो ये मेरा फॉलो करना कोर्स है, दिस इंटायर पार्ट शुड ऐड अप टू 366, जिसमें से 206 ऑलरेडी पता है, तो बैलेंसिंग फिगर विल बी ओनली फिजिक्स एंड मैथ, तो 190 प्लस 206 प्लस 240 माइनस 160, नहीं सॉरी माइनस 366, जस्ट 366 माइनस 206, क्योंकि 366 क्या बोल रहे हैं, पास इन बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, मतलब हम लोग को ये तो पता है कि वो फिजिक्स और मैथ्स दोनों में पास हुआ है, लेकिन क्या वो केमिस्ट्री में फेल हुआ है कि पास हुआ है, ये हम लोग को नहीं पता। तो अगर वो केमिस्ट्री में पास हुआ है तब तो मतलब वो तीनों में पास हुआ है, राइट? हाँ, तीनों में पास हुआ है तो मतलब वो 206 में इंक्लूड हो गया, और अगर वो केमिस्ट्री में फेल हुआ है तो मतलब कि वो इस ट्राइंगल का पार्ट है, ये जो 160 वाला ट्राइंगल है, इट दैट पर्सन बिलोंग्स टू दिस पार्ट, समझ।
सुन सॉरी तो समझ में आया 160 120 और 140 कैसे आया। जैसे अभी हम लोग 160 निकाले, सिमिलरली मैथ्स और केमिस्ट्री दोनों मिला के 346 था, जिसमें से 206 फिजिक्स में भी पास हो गया। तो बच्चे 140 सिर्फ केमिस्ट्री और मैथ्स में पास हुए एंड 326 फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो 206 उसमें से हटाएंगे तो 120 पास ओनली इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, दे डिड नॉट पास इन मैथमेटिक्स, राइट? राइट। अब फेल का किसका बना? एक ही अमाउंट पता खा जाएगा बस, बाकी कुछ नहीं होता। और कोई ट्राई किया फेल का? तो मैं खुद ही एक अमाउंट लिखना भूल गई। ये वाली होती होगा, ये जो यहाँ पे लिखेंगे वो वाली होती होगा। कौन सा अमाउंट किसका मैच किया? फेल्ड इन ऑल थ्री वाला। फेल्ड इन ऑल थ्री वाला मैच कर गया? हाँ बस। कैसे? हाउ डिड यू गेट द 264 ना मतलब? हाँ 1500 दिया उन्होंने टोटल। इनका फिर और फिर इसके सारे अमाउंट को माइनस कर दिया। हाँ तो रिमेनिंग 264 है। वेरी गुड। और किसका क्या मैच किया? किसी को कुछ भी मैच नहीं किया? देखो अब हमें समझेंगे कैसे बनेंगे। 264 समझ में आया। हम लोग को बोला कि टोटल में हम लोग के ग्रुप में 1500 स्टूडेंट्स थे और हम लोग का पास का वेन डायग्राम मिल गया। पास के वेन डायग्राम में ये तीनों कैटेगरी में एज लॉन्ग एज कोई वन ऑफ द थ्री कैटेगरीज में लाई कर रहे हैं, इट मीन्स कि वो कुछ ना कुछ भी पास किया ही है। अब कोई भी अगर ऐसा इंसान है जो तीनों कैटेगरी में नहीं गया, मतलब वो फिजिक्स भी पास नहीं किया, केमिस्ट्री भी पास नहीं किया और मैथ्स भी पास नहीं किया, विच मीन्स ही फेल्ड इन ऑल थ्री सब्जेक्ट, राइट? तो क्या होगा वो 1500 माइनस ऑल दीज अमाउंट, तो वो आएगा 264। यहाँ पे क्या मतलब है? फेल्ड इन फिजिक्स ऑल्सो, फेल्ड इन केमिस्ट्री ऑल्सो एंड फेल्ड इन मैथ्स ऑल्सो, राइट? तो वो 264 हो गया इन तीनों का इंटरसेक्शन, ये छोटा ट्रायंगल। अब देखो ये वाला पार्ट क्या बोल रहा है मैम, एंड जो फिजिक्स एंड मैथ्स में पास हुए बस 160 जो है वो केमिस्ट्री में आ जाएगा, एंड जो केमिस्ट्री एंड मैथ्स में सिर्फ है 140 वो फिजिक्स में आ जाएंगे एंड 120 जो है वो मैथ्स में आ जाएंगे। अगर यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि वो केमिस्ट्री और फिजिक्स में तो पास हुआ लेकिन मैथ्स में नहीं पास हुआ, दीज 120 पीपल, इट मींस कि वो मैथ्स में फेल हुआ, सिर्फ मैथ्स में फेल हुआ, फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो पास हो गया, तो यहाँ पे 120 आ गया। सिमिलरली ये 160 क्या हुआ कि वो मैथ्स में फेल हुआ लेकिन केमिस्ट्री सॉरी मैथ्स और फिजिक्स में पास हुआ लेकिन केमिस्ट्री में फेल हो गया, तो विच मीन्स कि वो सिर्फ केमिस्ट्री मतलब ओनली केमिस्ट्री फेल है वो 160 एंड 140 भी ऐसे करके। तो हम लोग के पास अब बचा ये थ्री बड़ा ट्रायंगल निकालना। अब ये हम लोग कैसे निकालेंगे? ये देखो ये जो है ये 240 जो सिर्फ मैथ्स में पास है, ये 240 मैथ्स में पास हुए मतलब वो फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में फेल हुए लेकिन मैथ्स में पास हो गए, यहाँ 240। ये वाला ट्रायंगल जो हम 180 में लिखना भूल गई, ये क्या है?
फिजिक्स और मैथ्स में फेल हो गए लेकिन केमिस्ट्री में पास हो गए, विच मीन्स दे ओनली पास केमिस्ट्री, तो ये 180 आ गया। और ये 190 कैसे आया? ये 190 आया जो फिजिक्स में ही खाली पास हुए, केमिस्ट्री और मैथ्स में फेल हो गए। करेक्ट करेक्ट, समझ में आया फेल का वेन डायग्राम कैसे बना? किसी को भी कोई भी डाउट है इसमें? No, अगर वापस एक्सप्लेन करना है कोई भी पार्ट, कोई भी नंबर कैसे आया तो मेरे को बोलो। सबको क्लियर है ये चीज? हाँ क्लियर है। ठीक है, अब ये देखो, हाउ मेनी स्टूडेंट्स फेल्ड इन, अच्छा ठीक है, आई वांट यू ऑल टू डू दीज 5 क्वेश्चंस एज होमवर्क। आई वांट ऑल ऑफ यू टू ट्राई देम योरसेल्फ एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे ये 5 क्वेश्चंस, पहले हम लोग करेंगे, उसके बाद वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, और किसी को कुछ भी डाउट है इस क्वेश्चन में या कोई भी और क्वेश्चन में ऊपर या इन कॉन्सेप्ट में? नथिंग, एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? वेन डायग्राम पास और फेल का कैसे बना समझ में आया? तो ये 5 क्वेश्चन जिसके इस वेन डायग्राम पे बेस्ड है, आई वांट यू ऑल टू ट्राई दोस 5 क्वेश्चंस एट होम, एंड आई आल्सो वांट यू ऑल टू ट्राई ये वाला जो क्वेश्चन है पाई चार्ट एंड डेटा टेबल का, इसमें भी 4 क्वेश्चन ही है बस, आई वांट यू ऑल टू ट्राई देम। ठीक है, इसका आंसर आई थिंक मैं 4 का शायद दिया हुआ नहीं है, आई विल सेंड इट इन द ग्रुप, सो दैट आई वांट यू ऑल टू ट्राई आउट। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। थैंक यू मैम।